हे गाइस, वेलकम टू लेट्स स्टडी टुगेदर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर में। आज आए हम फिर से वही जो डेली जो श्रृंखला लगा रखी थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का सवाल लेते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में नई दिल्ली में लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम लीप और एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग के लिए दो नई पहले शुरू की। देखो सिंपल सी बात है, ये किसके बारे में बात हो रही है? टीचिंग के बारे में बात हो रही है, एकेडमिक्स की बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब इसका आंसर देखना जरूरी नहीं है, वैसे भी बता सकते हो। कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय ये बिल्कुल नहीं करेगा, ये टीचर क्यों तैयार करेगा? आवास एवं शहरी मंत्रालय ये भी बिल्कुल नहीं करेगा। ऑप्शन सी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, हाँ ये हो सकता है। मानव विकास मंत्रालय ये भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये जो शुरुआत की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में शिक्षाविद कार्यक्रम LEAP और वार्षिक रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग के लिए नेतृत्व में दो नहीं पहले शुरुआत की है। ARPIT शिक्षण संकाय को सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। लीप इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करेगा जो उच्च संस्थानों में को बेहतर छात्रों के विकास की अपनी भूमिका निभाएगा। बेसिकली ये सारी की सारी जो बात हो रही है वो उच्च शिक्षण संस्थानों की हो रही है और उनको एक सशक्त रूप में उभारने की बात हो रही है। बात करते हैं सवाल नंबर दो, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब इनके नए मुख्य कार्यकारी CEO किसको बनाया गया है, ये चीज देखने वाली बात है। सिगफ्रिड एडस्ट्रोम, लॉर्ड बर्गली, जॉन रिजॉन, एड्रियन पॉलिन, इनमें से कोई नहीं। तो जो बनाया गया है वो जॉन रिजॉन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ये मुख्य कार्यकारी के रूप में जॉन रिजॉन ब्रिटिश पूर्व बाधा नियुक्त किया गया है। और इनके बारे में जो न्यूज है वो है ये कि 1987 विश्व चैंपियनशिप में छोटे कार्यक्रम में जॉन रिजॉन ने रजत जीता। एथलेटिक्स फेडरेशन का इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय 17 जुलाई 1912 को स्थापित किया गया है। ठीक है जी, अब बात कर लें तीसरे क्वेश्चन की कि किस व्यक्ति को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। पहला ऑप्शन है रंजीत सिन्हा, ऑप्शन बी है एम नागेश्वर राव, ऑप्शन सी है अश्विनी कुमार और ऑप्शन डी है PC शर्मा और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है एम नागेश्वर राव। केंद्रीय ब्यूरो जांच के अंतरिम प्रमुख एम नागेश्वर राव जो कि 1986 के बैच के IPS अधिकारी हैं और उड़ीसा कैडर के अधिकारी हैं को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा, देखो कैबिनेट के पास एक कैबिनेट कमेटी ऑन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है, का अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। बात करते हैं सवाल नंबर चार की, उल्लेखनीय सामाजिक कार्यकर्ता और संसद के पूर्व सदस्य वैष्णव चरण पारिदा का निधन हो गया, इनका किस राज्य से संबंध है? तो इनका जिस राज्य से संबंध है वो है उड़ीसा। विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व BJD सांसद वैष्णव चरण प्रदा का भुवनेश्वर उड़ीसा में देहावसान हो गया। उन्होंने वर्ष 2010 से 16 के दौरान राज्यसभा में BJD सदस्य के रूप में सेवा की थी। ठीक है, ये भी आपको पसंद न्यूज के कारण ये काफी जरूरी है याद करना। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन ने निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करते हुए ₹5 का डाक टिकट का अनावरण किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी ओरिएंटेड एग्जाम्स में। देखो जितने भी हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं 10 मुख्य करंट अफेयर्स को उठा रहा हूं मैं, अब ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसे पूरा देखिए करें, शेयर भी जरूर करें क्योंकि जब शेयरिंग होगी आपके साथ वालों को पता चलेगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन होगा।
वापस आते हैं अपने सवाल पर, यूएन के में, यूएन में किसने किस भारतीय स्वतंत्र सेनानी का सम्मान करते हुए 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया? तो इनका नाम है राजकुमार शुक्ला, आपने नाम सुना होगा। चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जी को जो ले जाने वाले थे, जो धरातल की जो सारी कहानी बताने वाले थे, इन महापुरुष का नाम, इन स्वतंत्र सेनानी का नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था इनका? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला से संबंधित आपने ये सारी बातें, चंपारण वाला जो आपको पता ही होगा, 1917 में जब गांधी जी आते हैं तो 1917 में उनके पास जाके ये सारी बातें बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये बैंक पीओ के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018 जीता? कौन सा? स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018 किसने जीता? ऑप्शन है आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, श्रद्धा कपूर, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है आलिया भट्ट। स्टार स्क्रीन अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला वो मिला आलिया भट्ट को, और ये मूवी जिस मूवी के लिए मिला है वो है राजी मूवी। हाँ जी, राजी मूवी। और रणवीर सिंह को पद्मावत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018 जीता, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का निम्नलिखित में से किसे ताज पहनाया गया? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ये पहनाया गया है श्री सैनी को, इंडियन अमेरिकन श्री सैनी को, न्यू जर्सी के फोर्ट सिटी में आयोजित एक पेजेंट पर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का 2018 का ताज पहनाया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल बन जाता है। सवाल नंबर 8 अत्यंत महत्वपूर्ण, यूपीएससी तक के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से बता रहा हूं, जलवायु सम्मेलन जिसको बोलते हैं कॉप 24 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? तो ये आयोजित की जा रही है पोलैंड में। कहां? पोलैंड में। हाल ही में कैटावाइस जो कि पोलैंड में स्थित एक शहर है में आयोजित की गई बैठक में 200 देशों के मंत्रियों ने अंततः 2015 पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के लिए नियम पर सर्वसम्मति पे पहुंचे। इम्पोर्टेंट देखो, यहां पे एक और फैक्टर है कि 2015 का कोप कहां हुआ था, मतलब कोप 21 कहां हुआ था पेरिस में। बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु समझौते पर बात करी गई और उनको लागू करने के नियमों पर भी बातें की गई, और 2015 में जो पेरिस में का जो कोप 21 था उस पर विस्तृत रूप से नियमों पर सर्वसम्मति पहुंची इस बार के जलवायु सम्मेलन कोप 24 में, जो कि हुआ पोलैंड में। आते हैं सवाल नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला हॉकी विश्व कप का खिताब जीता? भारत नाजी पहले जीत चुके, डेनमार्क नाजी बहुत पहले जीत चुके, नीदरलैंड ये तो अभी खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड ये भी पुराने खिलाड़ी हैं, कौन बचा? बेल्जियम। वैसे भी इसका एक्सप्लेनेशन देखे तो हॉकी में बेल्जियम ने अपना पहला विश्व कप खिताब जीता है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पुरुषों विश्व कप के फाइनल में उन्होंने कहां हो रहा है, ये देखो, ये एक और सवाल कि हॉकी विश्व कप इस बार कहां हो रहा है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रहा है। इस बार कौन जीता? पहली बार इतिहास में बेल्जियम ने विश्व कप हॉकी जीता, और किसको हराया? नीदरलैंड को हराया, विश्व विजेता को हराया। सवाल नंबर 10 पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का उन्नत पोर्टल लॉन्च किया? कौन सा? महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का पोर्टल लॉन्च किया, महिला उद्यमिता का, वुमेन जो वर्किंग वुमेन होती है उनके एम्पावरमेंट के लिए ये एक पोर्टल हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट पोर्टल जिसको बोले, किस मंत्रालय के अंतर्गत खुला, किस या किसी संगठन के अंतर्गत खुला? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं ऑप्शन डी कौशल और उद्यमिता मंत्रालय। हमारे हिसाब से आपको लगेगा कि महिला मंत्रालय नहीं, इसका जो आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2018 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का उन्नत पोर्टल लॉन्च किया। तो ये थे आज के सवाल, इसी के साथ कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। एक तो आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आपके लिए हम लगातार जारी हैं
टेलीग्राम जैसे चैनल पे भी, टेलीग्राम पे भी आप हमें जरूर फॉलो करें, वहां पे भी आपको करंट अफेयर्स की ये जो डेली रिपोर्ट है ये डेली मिल जाती है। इसके अलावा हमारा देखो एक अलग प्रकार का एक लेट्स स्टडी टुगेदर की तरफ से एक मुहिम है जिसमें आपके लिए एक अलग पोर्टल बनाया गया है, और वो क्या है, letsstudytogether.com का है एक, जिस चैनल पे या जिस प्लेटफॉर्म पे हम सारी चीजें शेयर करते हैं, आप एक बार जाइए इस वेबसाइट पे, सारी की चीजें जैसे बैंकिंग के लिए या यूपीएससी एसएससी के लिए सारे आपको क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, सारे आपको बुक्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एक बार जरूर देखें। और इसी तरह जिस तरीके से अभी तक प्यार देते हैं इसी तरह के देते रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल, धन्यवाद।